आपके पास ओप्पो रेनो 10 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप वॉलपेपर चेंज कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन का। तो फ़ोन में अगर आपने कोई फ़ोटो खींच रखी है या फिर आपको वॉलपेपर डाउनलोड करने हैं फ्री में, वो भी थीम स्टोर से, तो कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेटिंग से भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे वॉलपेपर एंड स्टाइल पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे इसको, अलाउ कर देंगे तो इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप वॉलपेपर से ले सकते हैं और थीम से, और यहाँ पे फॉन्ट वगैरह से ले सकते हैं। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे टच करके रखेंगे तो यहाँ पे भी वॉलपेपर आपको मिल जाएगा सिस्टम वाले। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे थीम स्टोर को ओपन कर लेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू, इसको स्किप कर देंगे, गॉट इट। आपका यहाँ पे थीम खुल जाएगा और यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल जाएगा। ये रहा वॉलपेपर, और काफ़ी सारे अलग अलग वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे, तो जो आपको पसंद आ रहा है वो आप सेट कर लेंगे, देख सकते हैं। मान लो ये वॉलपेपर पसंद आ रहा है, इसको आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और अब ये फाइनली आप इसको जूम इन जूम आउट करके अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे कहाँ सेट करना है, होम स्क्रीन पे या लॉक स्क्रीन पे, तो मैंने होम स्क्रीन पे क्लिक कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे आपको बैक कर लेना है, होम स्क्रीन पे आपका वॉलपेपर चेंज हो गया है। लॉक स्क्रीन पे सेट करना है तो सेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपको हो अपनी गैलरी में से कुछ लेना है तो गैलरी में से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक वॉलपेपर, थ्री डॉट पे जाएंगे, सेट एज वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर लेंगे और इसको जूम इन जूम आउट कर लेंगे। या फिर अगर होम स्क्रीन पे करना है तो स्क्रॉल वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ये स्क्रॉल वाला है। अगर आप गैलरी से जाते हैं तो ऐसे करके स्क्रीन को स्लाइड करेंगे तो वॉलपेपर भी स्लाइड होता है आपका, ठीक है। तो ये मैं नॉर्मली अप्लाई पे क्लिक करके लॉक स्क्रीन पे अप्लाई कर दूंगी तो ये सेट हो रहा है, वेट कर लेंगे, ये हो चुका है। और इसके बाद देख सकते हैं ये होम स्क्रीन है आपका और ये आपका लॉक स्क्रीन है। तो इस टाइप से आप दोनों जगह वॉलपेपर चेंज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।